हेलो फ्रेंड्स, आप हैं अपने ही यूट्यूब चैनल अनीताज ग्रीन टेजर में। फ्रेंड्स, आज मैं अपने सकुलेंट प्लांट की रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ। इसके लिए जो मैंने ये सॉइल मिक्सचर बनाया है उसमें मैंने 30% मैंने ये गार्डन सॉइल ली है, 30% कंपोस्ट लिया है और 30% ही सैंड लिया है। और इसमें हमने 10% बजरी का यूज़ किया है जिससे कि बहुत अच्छा वेल ड्रेन्ड सॉइल मिक्सचर तैयार हो। 1 चम्मच नीम की खली डाली है जो कि प्लांट को बीमारियों से बचाएगी। अच्छे से सॉइल मिक्सचर को मिला लेना है। तो इसको लगाने के लिए मैंने ये वाला पॉट लिया है, इसमें ड्रेनेज होल कर लिया है और इसके ऊपर रख रही हूँ मैं ये गिट्टी। और ऊपर से डालूंगी मैं थोड़ी सी बजरी, छोटी छोटी मेरे पास है। अगर छोटी नहीं है कोई बात नहीं, आप बड़ी भी डाल सकते हैं। और फिर इस सॉइल मिक्सचर की एक लेयर नीचे डालनी है पॉट में, फिर प्लांट को लगाना है। तो प्लांट की पॉलीथीन मैं कट कर लेती हूँ। इसके लिए छोटा पॉट इसलिए अच्छा होता है क्योंकि इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती हैं। तो इसको लगाने से पहले इसकी मिट्टी को मैं थोड़ा सा हटा देती हूँ। ये मैंने सारी मिट्टी हटा दी है। अब अपने नए सॉइल मिक्सचर में इस प्लांट को मैं लगाऊंगी। तो ये मैंने रख दिया और फिर ऊपर से ये सॉइल मिक्सचर अच्छे से फिल कर लेना है। रिपोर्टिंग के बाद प्लांट को तुरंत पानी देना चाहिए और फिर इसे 2-3 दिन शेड में मैं रखूंगी। और उसके बाद मैं इसे ऐसी जगह रखूंगी जहाँ की इसे सुबह सुबह की धूप मिले। और फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ये प्लांट पानी कम पसंद करता है। जितना आप इसे इग्नोर करेंगे उतना ही अच्छे से ये प्लांट चलता है। तो पानी से ये प्लांट ख़राब हो जाता है। जब इसकी मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाए दोबारा, तभी पानी दें। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।